फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी शहर के कोटरगेट एरिया में। जैसा कि हम दो दिन पहले ही इस रोड का, ये जो मेरे पीछे आप खड्डा देख रहे हैं, ये इस खड्डे का हमने आपको वीडियो बताया था कि ये एक यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक थे, उन्होंने यहाँ के जो उनके जो लोग है उनके घरों में ड्रेनेज का पानी आ रहा था, उसके वजह से इन्होंने खड्डा खुदवा दिया था। लेकिन इसको खड्डा खुदवाने के बाद में वो कहीं चले गए कुछ काम से। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये खड्डे बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है। और आज ही के दिन एक ऑटो ड्राइवर जो कि एक अपनी जो पैसेंजर के साथ में जा रहा था, उसके आगे एक टाटा एस थी, एक फोर व्हीलर थी, वो तो गुजर गई। लेकिन जो ऑटो ड्राइवर था उसका जो आगे का टायर है ना, वो उस खड्डे में गया। और उसको खड्डे में जाने के बाद में वो ऑटो ड्राइवर को यहाँ सर पे लगा, नाक पे लगा और हाथ पे कुछ मार लगी है। वो सीसीटीवी हम आपको दिखाने वाले, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो सीसीटीवी आपके सामने नज़र आ रहेगा कि किस तरीके से वो एक फोर व्हीलर जो टाटा एस थी वो आगे गई। उसके फौरन बाद में वो देखो रिक्रेक का टायर आगे गया और उसमें जो ड्राइवर थे उनके साथ में उनके जो पैसेंजर थे, दो लेडीज़ और एक बच्चा था, बच्चे को तो नहीं लगा है, लेकिन जो ड्राइवर थे उनको सर पे, नाक पे और हाथ पे लगा हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ? हाँ, मैं वो गैबी नगर से दो लेडीज़ को लेके निकला, आगे गाड़ी थी मेरी, उसके पीछे मैं था, तो गाड़ी तो चार चाक की थी, चली गई और ये बीच में मेरा अगला चाक जो है फट से खड्डे में आया और मैं गिर गया, मेरी कांच लग गई मुझको। गाड़ी के अंदर एक आड़ी कांच लगी है अंदर साइड से, वो फूट के मेरे पे लगी और स्टेयरिंग पे लगा, ऐसा मेरा चश्मा वगैरह सब गिर गया, खून गया यहाँ पर। तो और ये कहाँ पे हुआ है? ये क्वार्टर गेट पे जी, बिल्कुल बेताब के घर के सामने। तो अभी आप भिंडी कॉर्पोरेशन को, भिंडी वालों को क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि जो खड्डा बहुत ज़्यादा हो गया है, हाँ उसको बनना चाहिए, जो भी है कार्रवाई होना चाहिए ना, यहाँ से किसी और के साथ ना हो। एक तो बच्चे रहते हैं छोटी, फिर मेरे रिक्शे में दो लेडीज़ थी, उसके साथ छोटा बच्चा भी था। अच्छा, तो उनको कुछ? हाँ, वो बच गए, वो बच्चा खसक आया झटके में, पहला ही चाक, हालांकि मैं सिलो था, बहुत सिलो था। अच्छा। वो समझ में नहीं आया खड्डा, वो गाड़ी आगे गई कार, उसके पीछे मैं था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के जो सिटी इंजीनियर हैं, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो उनका नाम है एलपी गायकवाड़ साहब, उनका फ़ोन नॉट रिचेबल आ रहा है या तो कभी बिज़ी आ रहा था, उनका कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये खड्डा आखिर कब बने जाएगा। और रही बात पूरी भिंडी शहर की, रोड के मसले तो इतने हैं कि आपको हर आए दिन कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको ये ज़रूर भिंडी शहर वाले को मालूम होगा कि यहाँ की रोड ख़राब है। और एक जो रोड कई सालों के बाद जो रोड बने उसके बीच में भी ये खड्डा कर दिया गया है। जो कि ये जो रोड आप देख रहे हो ना, ये रोड तकरीबन में ये रोड है कुछ 9 मीटर का रोड है, 9 मीटर के रोड में बीच में ही एक बड़ा सा खड्डा आ गया है, ताकि ये साइड की जो जाने वाली गाड़ी है और ये साइड आने वाली गाड़ी देखिए, और उसके जस्ट बाजू में ही ये भी खड्डा खोदा गया है। और ये जो खड्डा है, आप ये जो खड्डा देख रहे हैं, खड्डा किस तरीके से है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर इसमें अगर कोई गिर जाता है, ये जो लगाया गया इसमें अगर गिर जाता है, ये पूरा बड़ा गटर जाम है, और इसमें अगर कोई गिर जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्या भिंडी में कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर है एलपी गायकवाड़ और भिंडी कॉरपोरेशन एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही है, ताकि कोई अगर रात में अगर कोई बाइक वाला है और सडनली उसको अगर ये पत्थर या खड्डा ना दिखे, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका अगर कुछ इश्यूज हो जाता है, अगर कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारी ये रिक्वेस्ट है भिंडी कॉरपोरेशन एलपी गायकवाड़ जो यहाँ के सिटी इंजीनियर है, जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ से पूरे भिंडी शहर के जो ग्रामीण एरिया से हर जगह से लोग यहाँ मार्केट करने आते हैं सुबह सुबह, उनको यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।